dear students in our series of uh, some discussions uh, we are going to discuss uh, what can be the disadvantages of uh, the first mover is pehle humne discuss kiya tha that what are the advantages for the first mover ki jo market mein pehle enter hote hain unke liye kya kya advantages ho sakte hain we already had discussed that portion ab hum discussion kar rahe hain ki wo log jo market mein as a first mover enter hote hain इनोवेटर ट्रूडी न्यू प्रोडक्ट लेके मार्केट में आते हैं उनको क्या क्या पॉसिबली डिफिकल्टी हो सकती है और उनकी हम अब रियल एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द फील्ड वी टुक एग्जाम्पल फ्रॉम द शेविंग रेजर एंड फ्रॉम अदर प्रोडक्ट एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल फ्रॉम ऑटोमोबिल ऑटोमोबल मार्केट ऑटोमोब मार्केट कारों की जो मार्केट है दिस इज ऑल्सो वेरी कंपेरेटिव car industry is a huge industry or very high cost industry unit price very high uh, car mein competition competition both high hai, or interestingly uh, jo one of uh, the large, uh, largest three uh, car manufacturers and they are based in one area of united states of america in usa near michigan and detroit there are three uh, top manufacturers, which are Ford Motors, General Motors, and Chrysler. So, Chrysler, Ford, and General Motor are all three are based in one area of USA, which is uh, Michigan State, and in, in Michigan, uh, in Detroit, these are, are based in the same area. Now, the same area, which is clusters, that's another example of the cluster. और क्लस्टर में फिर हमने स्पिल ओवर की भी एक बात की थी मेरे तो हम आइडियाज़ को साथ साथ रिलेट कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ होती है। अब यहां पे एक एग्जांपल हम लेना चाह रहे हैं कि जहां पे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फोर्ड मोटर्स हमने कहा कि फोर्ड जो है दैट इज बेस्ड इन मिशिगन इन यूएसए फोर्ड वॉज द फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस कार्वेंटी वन इट हैज ए वन थाउजेंड परसेंट वन थाउजेंड टाइम्स मार्केट शेयर एडवांटेज ऑवर जनरल मोटर्स जनरल मोटर जीएम की अगर एक कार बिकती है तो उनकी एक हजार कारें बिकती है सच्चे ह्यूज गैप सो वन थाउजेंड परसेंट गैप इन द मार्केट नाउ फोर्ड इज फॉर श्योर फर्स्ट मूवर एंड फोर्ड इज फॉर श्योर मार्केट लीडर एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट नाइनटीन ट्वेंटी वन

अब क्या हुआ आफ्टर सर्टन टाइम दिस लेवल ऑफ डोमिनेंस मेड फोर्ड कंपनी वाइल चीयर वर्क टायरलेसली फोर्ड कंपनी कंपलेसेंट हो गई फोर्ड कंपनी बिकेम कंपलेसेंट कंपलेसेंट क्या है रिलैक्स हो जाना और हमारे पास उर्दू में इसके लिए जो वर्ड आप कह लें खुशफाम में रहना कि हम वी आर वी आर द चैंपियन नो बॉडी कैन चैलेंज अस

जिस बी रिलैक्स टेक इट इजी ये जो एटीट्यूड था बी रिलैक्स एंड टेक इट इजी उस एटीट्यूड उस ने ए, लास्ट आ, सेंटेंस में पढ़ रहा हूं एज ए रिजल्ट इट ओनली टुक टेन ईयर्स इट टुक ओनली टेन ईयर्स फॉर जी एम टू ओवरटेक फोर्ड इन सेल्स दस सालों में सिर्फ दस सालों में जीएम ने फोर्ड को पीछे छोड़ दिया है कोई टेक्नोलॉजिकल इश्यू नहीं है कोई मार्केटिंग इश्यू नहीं है कोई फैक्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है कोई वर्कर की स्ट्राइक नहीं है कोई शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है प्रॉब्लम क्या है एटीट्यूड वर्क एटीट्यूड एंड कंसिडरिंग दैट वी आर द चैंपियन वी आर द बेस्ट नो बी कैन अस वी आर गोइंग टू स्टे देयर वी आर थाउजेंड टाइम अहेड सो वी विल वी विल स्टे थाउजेंड टाइम अहेड फॉर एवर नाउ इट मे नॉट वर्क लाइक दैट यू गाट टू बी विजिलन यू हैव टू वर्क हार्ड टू अंडरस्टैंड वॉट है मार्केट एंड यू हैव टू कीप टेकिंग द मेयर जैसे हमने पहले कहा डिफेंस फटीक डिफेंस फटीक उन ऑर्गेनाइजेशन को होती है जो अपने चैलेंजेस के ऊपर नजर रखती है कि कौन कौन हमें चैलेंजेस आ रहे हैं और किस किस तरीके से हमें वो चैलेंजेस दे रहे हैं और किस तरीके से वो मार्केट के ऊपर इंपेक्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जब वो वो फटीक बन जाती है लेकिन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक फोर्ड हु कंपलेसेंट रिलैक्स टेक इट इजी नो प्रॉब्लम इन तरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन दस सालों में आपने देखा है कि कहां से कहां पहुंची है इसी तरह की एग्जाम्पल अगर आप लें वॉच uh, इंडस्ट्री में देर वॉज ए टाइम स्विस वॉचेस यूज टू बी दी वॉचिज एक्चुअली स्वि वॉच इज ए वॉच और कहीं वॉचेस बहुत ज्यादा वर्ल्ड में कहीं बनती नहीं थी uh, हर वॉच जो है वो स्विट्ज़रलैंड में बनती है और हर बड़ा नाम जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है हर बड़ा ब्रांड जो है स्विट्जरलैंड में बनता है और स्विट्ज़रलैंड वॉज शेयरिंग कैप्चरिंग समवेयर अराउंड से अराउंड एटी अराउंड नाइन्टी परसेंट ऑफ द टोटल वॉच मार्केट ऑफ द वर्ल्ड देर वॉज ए टाइम एक और यहां थोड़ा सा मैं जो हमने पुराने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हुए हैं मैं उनको साथ साथ रिलेट करता जाऊंगा कि स्विट्जरलैंड की जो वॉच इंडस्ट्री है दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स जो वॉच इंडस्ट्री सारी एक जगह पर कंसंट्रेट कर गई दैट वॉज स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड वॉज शेयरिंग समवेयर नियर नाइनटी ऑफ द टोटल वॉच मार्केट ऑफ द वर्ल्ड और एग्जैक्टली सेम एटीट्यूड स्विस वॉच मैन्युफैक्चर का था जो हमने अभी एग्जांपल में फोर्ड का लिया दे वेसेंट एंड उन्होंने कहा कि ये जो डिजिटल वॉचेस आएंगी और ये जो uh, नई वॉचेस आ रही हैं दीज आर नॉट इवन वॉचेस वी डोंट इवन बदर ऑफ थिंकिंग ऑफ दैम दर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड में एक वॉच रिसर्च इंस्टीट्यूशन है दैट वॉच रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने वार्न किया एक्चुअली टू वॉच मैन्युफैक्चरर्स मार्केट इज गोइंग टू चेंज वेरी सुन लेकिन मार्केटर्स सॉरी मैन्युफैक्चरर इन स्विट्जरलैंड दे दे वर स्टेबल, दे वर कंपलेसेंट उन्होंने कहा कि हमारी वॉचेस के मुकाबले में कहां से वाच आ सकती है और इस तरह की वॉच अगर कोई नहीं बनाता तो वो वॉच ही नहीं है वो एक्सेप्ट होगी नहीं मार्केट में सो वी डोंट नीड टू वेरी मच वी और आज क्या हुआ है थिंग्स आर चेंजिंग नाउ Switzerland is sharing a very little portion of uh, uh, watch market in the world, and watch manufacturers are now located in different parts of the world. Hong Kong has both a big market share. Liya. China is really coming up. So watch, uh, watch, watches are being made now in various parts of the world. Or the wo uh, monopoly or dominance of uh, Switzerland ki, wo damaged because of this attitude. तो हम जो बातें कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की फेल्योर में टेक्नोलॉजी ही नहीं रोल नहीं है कि आपकी मशीनें खराब हो गई तो आप फेल हो गए आपको मटेरियल नहीं मिला तो आप फेल हो गए आपका केमिकल खराब निकला तो आप फेल हो गए इट्स नॉट लाइक दैट आपका एटीट्यूड दैट ऑल्सो वर्क और वो एटीट्यूड क्या है दैट एटीट्यूड इज कंसिडर द मार्केट इज हाईली कंपेटिटिव यू कैन नॉट स्लीप यू कैन नॉट रेस्ट यू कैन नॉट क्लोज योर आईज यू हैव टू बी विजिलेंट you have to keep your eyes open and you have to keep an eye on the challenger who are in the market. So we took an another example of, uh, uh, dear student, we discussed about this uh, case study far from General Motors versus uh, Ford, that uh, Ford ki management ka jo attitude made this thing a bias Ford jo hai, market very far in the market as compared to General Motors. Sometimes they uh, 1000 times and X time, the, aur ek time aap aake, GM said, Unko beat kar diya. So, uh, learning point is what is at, at, at one time, we have, to, we have to focus on technology for sure, but we have to uh, keep the right attitude as well.